अजमेर में होली का हुड़दंग देखा जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर कई आयोजन आयोजित हो रहे हैं। युवाओं की टोली अलग अलग गलियों और चौराहों पर नाचते गाते नजर आ रही है। अजमेर के स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी आज इस होली के हुड़दंग में शामिल होने आए। इस दौरान वह अलग अलग रंगों से रंगे नजर आए और अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली की शुभकामनाएं भी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ऐसे में सभी को एक होकर अजमेर विकास और देश के विकास को अलग लेकर जाना चाहिए। अलग अलग रंग होने के बावजूद एक होकर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वह अजमेर के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान अपने समर्थकों को शुभकामनाएं भी दी गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी को सामूहिक रूप से होली मनानी चाहिए, जिससे कि पुराने द्वेष भाव विरोध भूल कर सभी एक रंग में नजर आए। देखिए, किशनगंज आनासागर विकास समिति का हमारा 3 दिवसीय होली महोत्सव जो हम पिछले 40 वर्ष से मना रहे हैं, उसका समापन 3रा दिन है आज। प्रथम दिवस पर हम लोग ने महिलाओं के बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पार्टिसिपेट करी थी। हमारी सोच ये रहती है कि क्षेत्र की सभी महिलाएं हम लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर और होली का एंजॉय करें, उत्साह करें। समिति के अंदर 3 वर्ष से लेकर और 90 वर्ष से के बालक बालिकाएँ, बुजुर्ग, घन माताएँ, बहनें सभी पार्टिसिपेट करती है। प्रथम दिन हम लोगों ने महिलाओं की कई प्रतियोगिता है, जैसे कि रंगोली प्रतियोगिता है, कपल डांस है, कई आयोजित की थी। उसके बाद में कल अब जो कल के दिन प्रातः के दिन बच्चों के गेम्स, नन्हे मुन्ने बच्चों के गेम है, यहाँ पर फोक डांस है, जलेबी दौड़ है, चम्मच दौड़ है, चॉकलेट दौड़ है, कई तरह की प्रतियोगिता हम लोगों ने आयोजित की थी। कल रात को बहुत ही अच्छी संख्या में हम लोगों ने सामूहिक रूप से सबके गुलाल का टीका लगाकर और होली दहन का कार्यक्रम कर रहा था। आज हम लोग होली इसलिए मिलन समारोह पारितोषिक वितरण का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान सरकार के आदरणीय श्री वासुदेव देवनानी यहाँ पधारे और अजमेर नगर निगम के महापौर भाई नीरज जी जैन, प्रांत के सेवा भारती के आदरणीय श्री मोहन जी खंडेलवाल, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी चारण, क्षेत्रीय पार्षद नलिनी जी शर्मा कई और सहित कई क्षेत्र के वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित है हमारे यहाँ पर। इसके साथ साथ हम लोग क्षेत्र के वरिष्ठ जनों का भी यहाँ सम्मान कर रहे हैं। समिति के 3 अवार्ड, 20 पितामह अवार्ड, मेरी दादी जो अवार्ड और स्वामी विवेकानंद अवार्ड भी हम लोग यहाँ पर देंगे। काफ़ी टाइम से हम लोग आयोजन करते हुए आ रहे हैं, सामूहिक रूप से हम लोग होली खेलते हैं। आज एक दूसरे को रंग भी लगा रहे हैं और रंग पूरे रंगों से रंग रहे हैं। मैं समझता हूँ यह जो उत्सव है, ये सबके खुशी का प्रतीक है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से वातावरण बदला है, देश के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने जिस प्रकार के आगे कदम बढ़ाए, उससे लोगों में एक खुशी की लहर है। और यहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया है। किशनगंज विकास समिति लगातार पिछले 21-22 वर्षों से मैं भी आता रहा हूँ और लगातार ये कार्यक्रम करती हैं, प्रतिभाओं का और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। एक अच्छा संस्कार है जिसको समिति करती है। इसके अलावा अभी अपने यहाँ पर शिवाजी पार्क में भी सैकड़ों की संख्या में संघ के स्वयंसेवक इकट्ठे हुए। क्या खुशियाँ थी, मिठाई खा रहे थे, आपस में पकौड़े खा रहे थे, आनंद के गीत गा रहे थे। इस प्रकार का दृश्य मैं समझता हूँ कि बहुत समय बाद दिखाई देने को मिला है। और घर पे भी प्रातःकाल 8 बजे से लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये उनका मेरे प्रति प्यार और स्नेह है। मैं भी सबको बधाई देता हूँ, उनके जीवन में खूब खुशियाँ आए, ईश्वर उनके जीवन में रंग भर दे, सब स्वस्थ रहें, सब में सुख स्मृतियाँ रहें, ताकि हम सब लोग मिलकर के जो अजमेर का विकास और राजस्थान के विकास की ओर हमने कदम बढ़ाएं और उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर के हम सब लोग विकास में किसी को भी पीछे न रखें, ऐसा मेरे को है। सबसे आह्वान करता हूँ कि खूब बधाइयाँ स्वीकार करें और बधाइयों के साथ अपने हरेक के जीवन में सुख और सामाजिक समरसता और भाईचारा अवश्य लाएं। पुरानी कुछ बातें उन्हें भूल करके और हमें एक प्रेम भाव के साथ, आत्मा के साथ ये जीवन जीते हुए अजमेर को एक श्रेष्ठ अजमेर बनाएं, राजस्थान को श्रेष्ठ बनाएं और भारत को भी एक भारत, श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत की कल्पना से आगे बढ़ें। होली के हुड़दंग में आप भी शामिल हुए हैं, अलग अलग कलर जो हैं लोग लगा रहे हैं, किस तरह का आज का दिन रहा है? मैं समझता हूँ कि सब अलग अलग प्रकार के रंगों से रंगना एक बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन सब रंग समाहित होकर के एक हम सब एक मुखी हैं, इस प्रकार का एक भाव जो सब में प्रज्वलित हो रहा है, ये बहुत शुभ प्रतीक है। मैं समझता हूँ इससे जो समाज में एक रूपता भी आएगी, एकता भी आएगी, प्रेम भाव भी आएगा, सद्भाव भी आएगा और वैसे ये नगरी बड़े सद्भाव की नगरी रही है और राजस्थान इस समय तेजी के साथ कदम बढ़ रहा है और अजमेर के नागरिक भाई बहन बच्चे सब एक मुखी होकर के एक ही हैं। होली का रात को दहन किया है, धर्म के अधर्म पर विजय हुई है। नमस्कार, मैं मनोज सालवी, CEO टाटा पावर अजमेर। आप सभी अजमेर वासियों को टाटा पावर अजमेर प्रबंध की तरफ से
होली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि होली के पवित्र रंगों जैसे ही आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग सदा भरे रहे। होली के त्यौहार पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसलिए टाटा पावर प्रबंधन ने माकूल इंतजाम किए हैं। सभी जोनल टीमें फील्ड में पूरी उस्तादी के साथ मौजूद रहेगी। मैं और सभी वरिष्ठ अधिकारी बिजली की व्यवस्था पर देखरेख करेंगे। साथ ही एक अनुरोध, टाटा पावर से जुड़े रहते हुए आप सभी बिजली संबंधित सेवाओं के लिए TPADL के डिजिटल माध्यमों का, जैसे व्हाट्सएप सेवा, मोबाइल ऐप, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था, इसका काफ़ी उपयोग करें। आप सभी को पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।